मैं इस तरीके से देखती हूँ कि इससे काफ़ी चीज़ों की बदलाव आई है। 26/11 को 15 साल होने आया, इन 15 सालों में मैंने फिर से अपने मुंबई शहर में कहीं हमला का कुछ सुना नहीं है। तो नमो भारत से काफ़ी चीज़ों में हमें फ़र्क मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें अच्छी सुधर रही है, हमारे देश में बदलाव आ रहा है, तो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश हूँ। इस तरह को मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी सर ने काफ़ी बढ़ावा दिया है लड़कियों को, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके पहले हमारे मतलब कहीं पर भी आप स्टेट में देखो तो लड़की को इतनी बढ़ावा नहीं मिली जाती थी, काफ़ी लोग सोचते थे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, तो मोदी सर ने और काफी लोगों ने इस चीज के लिए किया है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती, दोनों एक ही बराबर है तो दोनों को बराबरी मिलनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आज मैं शो में आई हूँ, मनीष मल्होत्रा सर ने मुझे इनवाइट किया है, मैं काफी खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ, उन्हें पूरे टीम को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। नमो भारत के लिए हम लोग मोदी जी ने जो सलाह बहुत अच्छा सलाया, और मैं मोदी जी से यही प्रार्थना करूँ, जो आतंकवादी है पाकिस्तान में वो लोग, और जैसे कहीं भी हमला होना नहीं चाहिए, अपने देश के अपने वर्ल्ड में हमला होना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें खुशी है बैंड किया है बैंड किया, लेकिन कोई पाकिस्तान तो उस पर बैठने वाला नहीं है ना, वो आतंकवादी देश है ना। आज 166 लोग मारा और 300 घायल किया, और घायल में मेरी बेटी देविका है, और जब 10 आतंकवादी आए थे 9 को तो मार गिराया, कसाब को पकड़ा था, आज कसाब को फांसी हुई, लेकिन मास्टर मैन तो उधर जिंदा है ना पाकिस्तान में, उसको फांसी होगा तो हमारे देश के हमारे वर्ल्ड खुश रहेगा। मैं तो मोदी जी से ये अमरनाथ चाहता हूँ कि मोदी जी आप जल्दी पाकिस्तान जो हाफिज साहिद है, लकवी है, दाऊद है, ऐसे लोगों तो फांसी ऑन द फांसी हो तो हमको बहुत खुशी है, तो हमारे भारत का नाम बहुत बड़ा रहेगा, और नरेंद्र मोदी जी का नाम बहुत बड़ा रहेगा, और मनीष मल्होत्रा साहब का भी नाम बड़ा रहेगा। आशा हो कि हम लोग खुश होंगे।